तो वहीं छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स की नाराजगी अब खत्म हो गई है, क्योंकि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में धान उठाव नहीं होने के कारण राइस मिलर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि राइस मिल्स हड़ताल पर नहीं थे और सरकार समय समय पर नए नियम लागू करती रहती है। मंत्री ने आगे कहा कि आगामी कैबिनेट बैठक में राइस मिलर्स की मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में राइस मिलर्स का उपयोग सबसे बड़ा है और वर्तमान में प्रदेश में 3,000 से ज्यादा राइस काम कर रहे हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा जाएगा और पूर्वी प्रदेश के राइस मिलर्स धान उठाव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करेंगे। भी आपने देखा होगा प्रदेश के पूरे राइस मिलर 3,000 से ऊपर सारे लोग धान का उठाव जल्दी करने हेतु कहे हैं और टोकन चूंकि दो बार में भी कटना है, तीन बार में भी कटना है, तो ये कांग्रेस केवल किसानों को भड़काने का काम करती है। माननीय विष्णु देवसाय जी की सरकार किसानों का एक एक दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसानों का दो बार टोकन काटेंगे, बड़े किसानों का तीन बार काटेंगे और पूरी धान किसानों को खरीदेंगे।